दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी कोर्स पर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम एवर एंड एड्रेस टैग का यूज़ कैसे कर सकते हैं हमारे HTML वेब पेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आई फ्रेम का यूज़ किया था, करना बताया था कैसे करते हैं। तो ये देखिए उसका कोड, एंड देन इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। सिंपल है, कॉपी फाइल पाथ करें एंड देन ब्राउज़र पर जाएँ एंड रन कर लें। तो न्यू ब्राउज़र खोल लेता हूँ मैं सबसे पहले एंड पेस्ट करता हूँ इसको। तो ये देखिए इतना किया था हमने। आई फ्रेम के थ्रू हमने दो एक इमेज को लाए थे एंड एक पीडीएफ को लाए थे, एंड एंकर के थ्रू, एंकर टैग के थ्रू हमने, ये बॉटम में आपको दिख रहा होगा पीडीएफ फाइल, तो एंकर के थ्रू हमने पीडीएफ फाइल एक क्रिएट की थी। तो बहुत आसान है, एंड पीडीएफ फाइल हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। एंड देन आज हम देखते हैं कि एवर टैग का यूज़ कैसे करते हैं, एवर एंड एड्रेस टैग का। तो उसके लिए मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल है। न्यू फाइल पे मैंने न्यू फाइल क्रिएट करी, देन इसको मैं सेव करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ, तो सिंपल है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ एवर एंड AWRE, ठीक है, address.html, extension.html डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, एंड देन html लिखता हूँ एंड इंटर कर देता हूँ, हो गया। एंड माय वेब एड्रेस, मैं सिंपल कोई भी नाम ले रहा हूँ, आप सिंपल कोई आप भी कोई सा भी नाम ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एवर का यूज़ करके दिखाता हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आई फ्रेम का यूज़ ज़्यादा करें। आई फ्रेम का यूज़ अभी ज़्यादा चल रहा है, ओल्ड टाइम था उसमें हम, उससे पहले की जो वीडियो में मैंने बताया था कि हम ऑब्जेक्ट एम्बेड का भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आई फ्रेम का यूज़ अब ज़्यादा हो रहा है, तो इसका यूज़ करें, बहुत आसानी से इसमें सब चीज़ें हो जाती हैं। एंड इसमें मैं बता रहा हूँ एवर, सिंपल एवर लिखा मैंने, एंड इसका मेरे को टाइटल लिखना पड़ता है। टाइटल एवर का मतलब होता है एब्रीवेशन का मतलब अब बताता हूँ, सिंपल आपको देख के ही समझ में आएगा। लाइक मैंने लिखा HYP, मैंने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज लिख दिया मैंने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया HTML। तो देखिए क्या होता है, इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। सिंपल है, कॉपी फाइल पाथ करें एंड ब्राउज़र पर जाएँ एंड न्यू टैब में ओपन कर दें आपकी फाइल, ठीक है। तो ओपन कर दी, एंड देखिए आपको टॉप पे दिख रहा होगा, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो हम जैसे ही इस पर होवर करते हैं, हमारा माउस ले जाते हैं, तो देखिए क्या शो होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसका फुल फॉर्म आपको शो हो रहा है, हिंट दे रहा है कि है क्या चीज़। लाइक हम कोई सा भी वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों में हिंट देनी हो, तो हम आसानी से बता सकते हैं ना कि ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उस पर हम आगे काम कर सकते हैं, ऐसे सिंपल यूज़ करते हैं। एंड देन इसके बाद मैं आपको बताने वाला था एड्रेस का, एड्रेस का यूज़ भी बहुत आसान है, ठीक है, एड्रेस का मैंने यूज़ किया। एंड देन यहाँ पर मैं एड्रेस का यूज़ हम बेसिकली पहले इसका मैं बता देता हूँ आपको, कमेंट में लिखना पड़ेगा क्योंकि समझना आना चाहिए। डिफाइंस दी AWRE VAT IONS डिफाइन एब्रीवेशंस, है ना, एब्रीवेशंस को डिफाइन करता है। अब आपने देख लिया है HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब हिंट प्रोवाइड करता है कह सकते हैं, ठीक है। एंड एड्रेस का भी मैं बता देता हूँ यहीं, ठीक है। तो एड्रेस का यूज़ हम करते हैं, डिफाइंस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर दी ऑथर, मतलब जिसने ये पेज बनाया है या जो भी हमें करना है, मैं आपको बताऊंगा रन करके समझ में आ जाएगा, ऑफ दी डॉक्यूमेंट, या कोई आर्टिकल लिखा है तो उसका हमें पता करना है कि ऑथर कौन है इसका, तो हम सिंपली इससे कर सकते हैं, ठीक है, RTICL, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। एड्रेस टैग का मैंने यूज़ किया था,
इसको मैं थोड़ा जूम जूम करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ रिटर्न, RITN, रिटर्न बाय, रिटर्न बाय। अब मेरे द्वारा लिखा जा रहा है तो मैं यहाँ पर मेरे ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। तो सिंपल मैं सबसे पहले एंकर टेक का यूज़ करूँगा, एंकर टेक का यूज़ करूँगा, HREF हाइपर रेफरेंस। देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ, easycodes@gmail.com, ठीक है, हो गया। तो मेल टू मतलब कोई अगर परेशानी हो तो इस पे मेल करें, ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, देन यहाँ मैं लिख देता हूँ सुमित मेरा नाम, एंड एंकटेक क्लोज कर दिया मैंने। ओके, और बस सिंपल है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ कैसा शो हो रहा है। तो ये देखिए, आपको ये सब इटैलिक में दिख रहा होगा, इटैलिक रिटर्न बाय, इटैलिक ये सब चीज़ें रिटर्न वो इटैलिक में दिख रही होगी, एंड सुमित जो दिख रहा है आपको। एंड बॉटम में आप देखिए easycodes@gmail.com, तो उसके बारे में आ गया। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन ऑथर है आसानी से। तो हम मतलब एड्रेस का यूज़ हमारे लिए कर सकते हैं, हम बताने के लिए कि कौन ऑथर है इसका, ठीक है। ये था ये एड्रेस का यूज़, एंड ये था एब्र का यूज़। इस वीडियो में इतना ही।